देखो 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 बसोली विधानसभा का मुकाबला कितना जन समर्थन और प्यार के साथ है। चलो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे बसोली वासियों का, हमारे मातृ शक्ति, हमारे युवाओं का, हमारे बुजुर्गों का, जिन्होंने इतना बड़ा स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया। और ये बसोली विधानसभा के लोगों की ही जीत है। बसोली विधानसभा के लोगों ने मन बना लिया था बदलाव का, तो बदलाव करके उन्होंने दिखाया है। आज बसोली विधानसभा के जो लोग हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ और माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बसोली का बड़ा दुर्भाग्य रहा, वहां पे ऐसे लोगों ने राज किया ना जिनका वहां राशन कार्ड था ना वोटर कार्ड था, तो लोग अभी पहचान गए इन लोगों को। 28-30 साल इन्होंने झूठे वादे इरादे करते आए हैं लेकिन उन चीजों पे खड़े नहीं उतरे हैं, तो लोगों ने पूरी तरह इनको निकाल दिया है। अब ठीक है हमारे बड़े भाई, हम उनपे ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा ही कर हर चीज में, गवर्नमेंट ने भी एक रिटायरमेंट का टाइम बनाया है तो हर किसी को रिटायरमेंट लेनी चाहिए समय के हिसाब से। इसका जवाब हमारे लोगों ने भरपूर तरीके से दिया है, आपने देखा होगा किस प्रकार से लोगों ने वोटिंग करी है। इन्होंने उसका कुछ भी इल्जाम लगाए हो लेकिन उसका जवाब जनता ने दिया है, पर आपके सामने नतीजे। मैं इस जन्म में बसोली वासियों का, हमारे युवाओं का, हमारी मातृ शक्ति का, हमारे बुजुर्गों का जो कर्ज मरे पे उन्होंने दिया है मुझे इतना अपना आशीर्वाद देके, इसको मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। लेकिन मैं उनसे ये वादा करता हूँ कि मैं कोई नेता एमएलए नहीं, उनका बेटा बन के काम करूंगा और भरपूर बसोली विधानसभा के विकास के लिए, बसोली विधानसभा के हित के लिए जो भी कार्य होगा हम उसको करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि बसोली का दुर्भाग्य रहा, आज तक जिन्होंने वहां राज किया वो बाहर के लोग थे, ऐसे लोग थे ना जिनका वोटर कार्ड था ना राशन कार्ड था, तो उनको वहां से ना तो हमदर्दी थी, ना उन लोगों से कोई लगाव था, ना उन लोगों से कोई हमदर्दी, ना कोई लिंक था, ना रिलेशन था, तो उन लोगों ने सिर्फ जात पात में बांट के शहर गांव करके उन्होंने सिर्फ राज किया वहां पे।